आज का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, अतः मैं आज के सूत्र संचालकों से अनुरोध करता हूँ कि वह मंच पर आए और अपनी जिम्मेदारी निभाए, बनाए रखें। आज के इस गणतंत्र दिवस का उत्सव बस शुरू ही होने वाला है, इसलिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो बच्चों। फ्रीडम इन माइंड्स, फेथ इन गॉड्स, प्राइड इन आवर हार्ट्स, मेमोरीज इन आवर सोल, लेट्स सल्यूट आवर मदरलैंड, आवर नेशन। A pleasant and very warm good morning to everyone. Today on 70 Republic Day in our country, I am Anushka Jha and I am Inka Bain. Wish you a very happy 70 Republic Day. Suswagatam, Suswagatam, Suswagatam. With blowing winds from the four corners of heaven, with the vibes of liberty and freedom, with the determination to bring about the change, we stand here to celebrate our 70 Republic Day. अपने अधिकारों का रक्षक, अपने अधिकारों का रक्षक, अपना यह गणतंत्र पर्व है, लोकतंत्र ही मंच हमारा, हम सबको इस पर गर्व है। हमारा भारत देश 1947 को स्वतंत्र हुआ, इसके बाद हमारे भारत देश में संविधान की घोषणा हुई, अतः 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत देश का संविधान लागू किया गया। यह संविधान हम भारतीयों को मूलभूत अधिकार प्रदान करता है। हम अक्सर अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं और अधिकार की बात करते हैं, इसीलिए हमारे संविधान में हमारे कर्तव्यों और दायित्वों के बारे में बताया गया है। तो चलो हम अपना कर्तव्य निभाए, अपने राष्ट्र के तिरंगे को और ऊंचा लहराए, नमन करें उन वीरों को जिन्होंने हमें आजादी की सोया थी। Now we will have our flag hoisting ceremony, so I will request our PT teachers to request our chief guest Bade sir ji, founder of this school, to unfurl the tricolor tiranga. Welcome our chief guest with big hand. तीन रंग से बना तिरंगा है भारत की शान, तीन रंग से बना तिरंगा है भारत की शान, तीन रंग में रंगा अपना हिंदुस्तान। लहरा के तिरंगे को आसमान में भर लो नई उड़ान, प्रगति और उन्नति की रख दो नए मिसाल। Thank you.
बोलला देवा माझा सदा नमस्कार तुझा दया दातृद्वाला अंत नाही पार तुझा दया दातृद्वाला अंत नाही पार असो तुला देवा माझा सदा नमस्कार तुझ्या कृपेने रे होती फुले पत्थरांची तुझ्या कृपेने रे होती तुझ्या कृपेने रे होती फुले पत्थरांची तुझ्या कृपेने रे होती मोती मृतिकेची तुझ्या कृपेने रे सर्व दुःखे दूर तुझ्या कृपेने रे होतील सर्व दुःखे दूर असो तुला देवा माझा सदा नमस्कार तुझ्या कृपेने रे होतील उषा त्या दिशेची तुझ्या कृपेने रे होईल सुधा त्या विषांची तुझ्या कृपेने रे होईल उषा त्या दिशेची तुझ्या कृपेने रे होईल सुधा त्या विषांची तुझ्या कृपेने रे होईल पंगू सिंधु पार तुझ्या कृपेने रे होईल पंगू सिंधु पार असो तुला देवा माझा सदा नमस्कार तुझ्या कृपा सिंधु मधला बिंदू जर मिळेल तरी प्रभो या जन्माची मातृष्णा शमेल तुझ्या कृपा सिंधु मधला बिंदू जर मिळेल तरी प्रभो या जन्माची मातृष्णा शमेल तुझा म्हणी आलो राया बघत बघत दार तुझा म्हणून आलो राया बघत बघत दार असो तुला देवा माझा सदा नमस्कार असो तुला देवा माझा सदा नमस्कार तुझ्या दया दातृद्वाला अंत नाही पार तुझ्या दया दातृद्वाला अंत नाही पार असो तुला देवा माझा सदा नमस्कार असो तुला देवा माझा सदा नमस्कार असो तुला देवा माझा सदा नमस्कार We start our today's program. You will witness rainbow of colorful program. Now it's time to sing. It's time to dance. So you are ready? Yes. हम सभी इकट्ठे हुए हैं इस दंगल पर्व के लिए. तो आज के दिन अगर कोई देशभक्ति गीत ना हो तो कुछ मजा नहीं आएगा. इसलिए नेक्स्ट परफॉर्मेंस देने आ रहे अक्षता गोले नाइन्थ इंग्लिश मीडियम से जिनके गाने का बोल है ये मेरे वतन मेरे प्यारे वतन है मेरे बिछड़े चमन तुझ पे
चमन तुझे पे दिल कुर्बान, तुझे पे दिल कुर्बान, तुझे पे दिल कुर्बान। Queen India. Therefore, I will like to request our audience once more clap for them. दोस्तों प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं 10वीं ए से सीता गुप्ता और उनकी सहेलियों को आमंत्रित करना चाहूंगी जिनका गाने का बोल है नील गगन में। सो ऑडियंस हैप्पी राउंड ऑफ सीता गुप्ता और उनकी फ्रेंड्स। गगन में मस्त पवन सिंह उड़ने वाले पर
मेरा सादा नमस्कार और 26 जनवरी पर हार्दिक बधाई। मैं सरस्वत यादव 8वीं कक्षा का छात्र हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम 70वें गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं और इसी उपलक्ष्य में हम सभी हर साल की तरह इस साल भी विद्यालय के प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। तो इस पावन अवसर पर मैं अपना विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ और इस विचार के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो हम चैन की सांसें लेते हैं, जो हम सांस से सोते हैं, वो हमें मुफ्त की नहीं मिली। इसके पीछे कई लड़ाइयाँ हुई हैं, इसके पीछे कई संघर्ष हुए हैं, इसके पीछे कई बलिदान हुए हैं। अतः उन क्रांतिकारियों को न याद करने से जिन्होंने अपना बलिदान दिया, जिन्होंने अपना त्याग किया, जिन्होंने अपने वीरता के परचम लहराया, उनको न याद करने से, उनको अनदेखा करने से इस पर्व का हमें महत्व समझ में नहीं आएगा, क्योंकि त्याग उनका बलिदान ही इस पर्व का हमें महत्व समझ आता है। अतः मैं उन सभी जावास क्रांतिकारियों को नमन करता हूँ और कुछ पंक्तियां उनके लिए गाना चाहता हूँ। गौर फरमाइएगा, वो वीर थे रणवीर थे फतेह मैदान वो करते थे, वो वीर थे रणवीर थे फतेह मैदान वो करते थे, अब लाओ पर अपना प्राण सदैव निछावर करते थे, अब लाओ पर अपना प्राण सदैव निछावर करते थे। भूल नहीं सकता मैं भारत के बलवीरों को, भूल नहीं सकता मैं भारत के बलवीरों को, प्राण मेरी भी अर्पित है भारत के रखवालों को, प्राण मेरी भी अर्पित है भारत के रखवालों को। देखिए बंधन में रहना, झगड़न में रहना एक परिंदे को भी अच्छा नहीं लगता, वो भी आजादी चाहता है। तो मनुष्य की आजादी तो हम बात, मनुष्य तो आजादी चाहेगा, उसके लिए अच्छा परिश्रम करेगा। भारतीयों ने भी ऐसा किया और उसका परिणाम यह हुआ कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। लेकिन भारत स्वशासित राज्य घोषित नहीं हुआ, भारत को स्वशासित राज्य बनाने के लिए कानून की आवश्यकता थी। आप लोगों ने उड़ते पतंग को तो देखा ही होगा, वो कितनी आजादी से होता है, एकदम विस्तार पूर्वक ऐसा लगता है पूरा आसमान उसी का है, लेकिन वो तभी तक होता है जब किसी के हाथ में डोर रहता है, बिना डोर के आजाद पतंग भी लहरा जाता है। उसी प्रकार हमारा भारत बिना संविधान बिना कानून के लड़ता जाता है, इसीलिए हमें कानून की सत्ता हुई और इसी को अर्थात उस कानून को बनाने के लिए भारतीय नेताओं ने 2 वर्ष 11 माह 17 दिन का अथक परिश्रम किया और 26 जनवरी 1950 को भारत पूर्णतः आजाद हुआ, भारत स्वशासित राज्य घोषित हुआ। यह पल बहुत ही अच्छा था, हमेशा खुशी का माहौल था, क्योंकि इस दिन वह दिन है जब भारत ने नए संविधान को अपनाकर नए युग का सूत्रपात किया था। यह वह दिन है जब भारत अपनी सदियों की दास्ता से आजाद हो गया था। यह वह दिन है जब देश के नागरिकों को अपना स्वयं नेतृत्वकर्ता चुनने का अधिकार मिला। हमारा भारतीय संविधान पूर्णतः लिखित स्वरूप का है, हम सभी इस बात से परिचित हैं। इस संविधान को बनाने के लिए कई नेताओं ने अपना बलिदान दिया, कई नेताओं ने अपना योगदान दिया, लेकिन उसका प्रारूप तैयार करने का कार्य, उसका रूपरेखा तैयार करने का कार्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। इसीलिए हम उन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार करते हैं। भारतीय संविधान में 22 अनुभाग 395 धारा और 8 परिशिष्टों का समावेश किया गया है, जबकि सबसे विकसित राष्ट्र अमेरिका में केवल 7 धाराओं का समावेश है। इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि भारत का संविधान पूर्णतः लिखित स्वरूप का। यदि हम अपने अतीत को देखते हैं तो 26 जनवरी को एक और महत्वपूर्ण घटना हुई थी। 26 जनवरी 1930 ईस्वी सन को रावी नदी के तट पर भारतीयों ने कसम खाई थी कि जब तक इस शरीर में जान है, जब तक ये सांसें चल रही हैं, तब तक लड़ते रहेंगे, जब तक नसों में लहू भी बाकी है तब तक लड़ते रहेंगे, और शायद वही प्रतिज्ञा भारत की स्वतंत्रता का सूत्र। हम गणतंत्र दिवस को बहुत ही अच्छी तरीके से मनाते हैं। दिल्ली सक्रिय बन चुका है, वहां पर ध्वजारोहण होता है, सूर्य की किरणों के साथ सैनिकों का परेड होता है, वह दृश्य अत्यंत मनोरंजक लगता है। कई रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाते हैं, अपना मत भी देते हैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। आज हमारा भारत स्वशासित हो चुका है, आज हमारा भारत स्वतंत्र हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो भारत के तिरंगे की सांस को चुनौती देती हैं और हमें इन्हें चुनौती देना होगा, हमें इन्हें खत्म करना होगा। जातिवाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार को खत्म करना होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किताब लिखी है, उसका नाम है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अर्थात भारत की अनेकता में एकता है, हमें भावना को बलवती करना होगा, हमें उन क्रांतिकारियों की भावनाओं को अमल में लाना है, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि देना है और उनका बलिदान उनका त्याग को याद करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि देना है। उनकी भावना यही थी कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, विश्व विजयी तिरंगा फहरा, किस स्थान न जाने पाए, चाहे जान में ले जाए, चाहे जान में ले जाए। इसी उम्मीद के साथ मैं अपने वाणी को लगाव देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। फॉर गिविंग अ वेरी गुड मैसेज टू अस।
इतना अच्छा बोली. एक्सेलेंट परफॉर्मेंस गिव अस अ वेरी बिग मैसेज. आई थिंक क्लैपिंग शुड नॉट स्टॉप. जूम करके ले ना. अरे
यार वो सन की लाइट आ रही थी। Please welcome the Pink Hands.
I'm not afraid.
क्योंकि आपने आपको मुगलाया जब हम अच्छा यार Gracias.
लीजिए, तो क्या आप बता सकते हैं बेटी ने ऐसा क्यों कहा? बेटी ने पापा से ऐसा बोला तो पापा ने कहा बेटी मैं तेरा हाथ पकड़ूं या तू मेरा हाथ पकड़, बात तो एक ही है। फिर बेटी ने कहा नहीं पापा, अगर मैं आपका हाथ पकड़ती हूँ तो किसी कारणवश मैं आपका हाथ अपने स्वार्थ के लिए छोड़ भी सकती हूँ, पर अगर आप मेरा हाथ पकड़ेंगे तो आप मेरा हाथ कोई भी मजबूरी में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एक बाप अपनी बेटी का हाथ कभी नहीं छोड़ता। Thank you.
Love is out of fashion.
भी तो देख लीजिए। हमने पहले ही कहा था ऑडियंस हमारा ख्याल रखे ना रखे, हम अपने ऑडियंस का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। सो फ्रेंड्स, आजकल इंग्लिश का जमाना है, हर जगह देखो तो सब इंग्लिश ही बोलते हैं। तो नेक्स्ट परफॉर्मर जो आदर्श तिवारी 6A इंग्लिश गाने भी परफॉर्म करने आ रहे हैं। सो ऑडियंस
बाजरी गाड़ी सुटली शिट्टी वाजली गाड़ी सुटली शिट्टी वाजली गाड़ी सुटली अन पदार गेला अन पदार गेला पोलिसाचा पूर्ण तांडा
की मोहब्बत है जना पूछ के नहीं की जाती। Yeah.
I know.
करता है लेकिन मार नहीं पाता है। मन तो हमारा भी करता है एक बार कुछ जोर बोल देने का, लेकिन क्या करें समय बहुत हो गया। इसी के साथ I would like to invite our next performer, Pinky, to come forward and perform. And her song is Kya Baat Hai. Yeah.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Bye.
समझो मेरी बात को
दम है कि मर जावा ले चले जा सोनिए ले चले जा किले चले जा Thank you.
नन्नी प्यारी प्यारी बेटियों से रौनक है, नन्नी मुन्नी प्यारी प्यारी बेटियों से रौनक है। जिस घर में बेटी है वही सही में जन्नत है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नन्नी मुन्नी प्यारी प्यारी बेटियों से रौनक है, नन्नी मुन्नी प्यारी प्यारी बेटियों से रौनक है। जिस घर में बेटी है वही सही में जन्नत है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पायल की छम छम से घर को जगाती है, जनमानस को जननी याद दिलाती है। पायल की छम छम से घर को जगाती है, जनमानस को जननी याद दिलाती है। कितनी भोली भाली वो हर एक घर की लक्ष्मी वो, कितनी भोली भाली वो हर एक घर की लक्ष्मी वो। हर रिश्तों को जीवन देती घर आंगन की किलकारी वो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बहना बेटी हर रूप में नारी है, इसका रिश्ता हर रिश्तों पे भारी है। माँ बहना बेटी हर रूप में नारी है, इसका रिश्ता हर रिश्तों पे भारी है। ये दुनिया की रहमत भी ये दुनिया की जीनत भी, ये दुनिया की रहमत भी ये दुनिया की जीनत भी। इस दौलत की रक्षा करना धर्म हमारा बनता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।